G20 के लिए जैसे जितने आप लोग एक्साइटेड हैं उतने हम लोग भी एक्साइटेड हैं। तो विदेशी मेहमानों, जो विदेशी डेलीगेशन हमारे पास आ रहा है, हमने उनके हिसाब से और इंडियन का मिक्स दोनों को ही यहाँ पर प्रेजेंट किया है। जैसे कि अगर हम पास्ता देखेंगे तो पास्ता में हमने उसमें बकवीट को यूज़ कर लिया, तो पास्ता तुम्हारा विदेशी कल्चर हो गया और उसमें बकवीट हमारा इंडियन कल्चर हो गया, तो उसमें हमने फ्यूज़न कर दिया उसको। स्वीट में बहुत सारे स्वीट्स मिलेंगी, जैसे कि उसमें इंडियन, हमारे इंडियन डेजर्ट, ट्रेडिशनल इंडियन डेजर्ट भी हैं और हमने वेस्टर्न डेजर्ट भी दोनों रखे हुए हैं। कुल कितने कोर्स ऑफ मील उनका रहेगा, जैसे पूरे दिन का अगर शेड्यूल रहेगा तो कितने कोर्स ऑफ मील उनको दी जाएंगी? ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग बुफे भी करेंगे तो बुफे में कुछ अलग अलग वैरायटीज होती हैं। अगर कोर्स वाइज सिट डाउन्स वगैरह होते हैं तो उसमें हम 5 या 6 कोर्स के हमारे मेन्यूज होते हैं। सूप से लेकर के शुरू होता है, सूप, सैलेड, मेन कोर्स, डेजर्ट। डिशेस तो लगभग 500-500 के करीब डिशेस रहेंगी, उसमें आला कार्ट्स भी शामिल है, उसमें तुम्हारे बुफे भी शामिल है, उसमें हाई टीज भी शामिल है। इतना बड़ा चैलेंज आप लोगों के लिए है, क्योंकि हाँ, काफ़ी काफ़ी चैलेंज है हमारा, और ये हम काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से तैयारियां कर रहे हैं। डेली हम इसके ट्रायल्स करते हैं ताकि उस दिन कोई चूक ना हो जाए, तो इसकी पूरी तैयारियां हमारी। कितने मेंबर्स की टीम आप लोगों की इस वक्त लगी हुई है? हमारे पास टोटल 120 लोगों की टीम इसमें लगी हुई है। या मैं प्रधानमंत्री ने इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट सेलिब्रेट करा हुआ है, तो हम लोग उसके हिसाब से कुछ मेन्यूज़ में आइटम्स डाले हुए हैं जो कि मिलेट से बने हुए हैं, और प्लस हमारा जो लोकल देसी इंडियन खाना है वो भी है इसके अंदर। जैसे हमने इसके अंदर कढ़ी बनाई हुई है, कढ़ी के अंदर जो पकौड़ी बनी है वो मिलेट की बनी हुई है। हमारे पास और भी ग्रेवीज है, उसके अंदर हमने बेस में जो उसका पेस्ट यूज़ करा वो मिलेट का यूज़ करा हुआ है। इवन हमारी जो डेजर्ट बनी हुई है वो भी मिलेट की हैं, जैसे हम लोग ने रागी के लड्डू बना रखे हुए हैं, यहाँ पे बाजरे की खीर बना रखी है, ये सारी चीज़ें मिलेट की हैं। प्लस हमारा जो रेगुलर इंडियन खाना है वो भी इसके साथ।